विश्व की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की धरती है भारतवर्ष। इस धरती पर विकसित हुई है मानव सभ्यता और इसी धरती ने मानव जीवन को उसके होने का अर्थ भी प्रदान किया है। ये सनातन संस्कृति में रची बसी धरती है और वेद पुराण तथा उपनिषद इसकी सांस्कृतिक धरोहर है। समस्त ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट विश्व को एक धरती, एक परिवार और एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने वाला वसुधैव कुटुंबकम का विचार इसका मूल मंत्र है। समस्त विश्व को एक रूप करने वाली गौरवशाली भारत में उत्तर प्रदेश की धरती धर्म ज्ञान, तप ज्ञान और अमर बलिदान की भूमि है। ये धरती है काशी विश्वनाथ के महादेव की, अयोध्यापति प्रभु श्री राम की और वृंदावन बिहारी प्रभु श्री कृष्ण की। श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्कृष्ट बन रहा है। और आध्यात्म की स्थली उत्तर प्रदेश की इसी पावन धरती पर जन्मे थे प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। जहां भगवान श्री कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध न्याय और समता का शंखनाद किया, वहीं प्रभु श्री राम ने विश्व को मानवता, क्षमा, करुणा, दया और मर्यादा का पाठ पढ़ाया और न्याय आधारित आदर्श राज्य की स्थापना की। देवों की अमृतमयी वाणी से गुंजायमान प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या नगरी में भव्य मंदिर का निर्माण पूर्वांचल क्षेत्र की प्रगति करता हुआ राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आजादी का ये अमृत महोत्सव राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए बलि वेदी पर चढ़े अनगिनत बलिदानों और राष्ट्रभक्तों को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महोत्सव है। ये महोत्सव है उस तिरंगे को आकाश में और ऊंचा लहराने का जिसकी शान और सम्मान की रक्षा के लिए वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। ये अमृत काल है, ये समय है नए प्रयासों द्वारा सफलता पाने का। इस अमृत काल के गर्भ में छिपा है भविष्य के स्वर्णिम भारत का सपना। अमृत काल के सपने को मन में सजाए उत्तर प्रदेश विकास और प्रगति का आधारभूत ढांचा तैयार करने की दिशा में तीव्र गति से बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा, फार्मा, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग एमएसएमई के हब के रूप में अवतरित हो गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP की पहल ने प्रदेश में पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्पियों को नया जीवन प्रदान किया। उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बाधा रहित ले जाने के लिए देश के सबसे बड़े रेल गलियारों ईस्टर्न डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया की योजना भारत वर्ष को डिजिटली शक्तिशाली ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में शुरू की गई एक मजबूत फ्लैगशिप योजना है।
डिजिटल इंडिया की रूपरेखा में उद्योग की सुविधाओं को सहज बनाने के लिए निवेश मित्र 2.0 और निवेश सारथी ऐप के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का पावर हाउस तथा डेटा सेंटर हब है। उत्तर प्रदेश में मेट्रो एवं मोनो रेल इस हब को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए संकल्पबद्ध उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को सुदृढ़ कानून व्यवस्था वाला सुरक्षित राज्य बना। राज्य की समग्र प्रगति और आधारभूत ढांचा तैयार करने की दिशा में 18,000 से भी अधिक MOU साइन कर आने वाले समय में और अधिक निवेश की संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। आर्थिक विकास और प्रगति का सपना आंखों में सजाए उत्तर प्रदेश रोजगार और निवेश बढ़ाने के इरादे से यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहा है। इस ग्लोबल समिट में देश के व्यवसायियों समेत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, डेनमार्क व यूनाइटेड अरब अमीरात सहित 30 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वर्तमान भारतवर्ष की आर्थिक उन्नति में 8 से 10% की भागीदारी करने वाला उत्तर प्रदेश 29,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक निवेश की उम्मीद लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की दिशा में दृढ़ संकल्पित को बढ़ चला है। इसी दिशा में यूपी का मिशन है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को छूने का। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के कुल मार्गदर्शन पर चलता और उन्नति के गगनचुंबी शिखर की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश देश की तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बन गया है। ये दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व, सुशासन, कानून और न्याय व्यवस्था का ही नतीजा है। विकास की राह थामे आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश की ओर भारतवर्ष ही नहीं समस्त विश्व ग्रोथ इंजन की तरह देख रहा है। आइए इस मौके पर इस उद्घोष से इस पूरे वातावरण को गुजा डालें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Yes.